एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी का दौरा सबसे ज़्यादा कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। यह ऑलमोस्ट 200 में एक लोग को अफेक्ट करती है। लेकिन जब भी किसी महिला को यह होती है तो उसको हमेशा यह चिंता होती है कि आगे चल के प्रेगनेंसी में या बच्चे पर उसका क्या इफेक्ट होगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल भोपाल से। आज मैं बात कर रही हूँ एपिलेप्सी इन प्रेगनेंसी। अगर आपको एपिलेप्सी है तो यह बहुत ज़रूरी है कि आप गर्भधारण के पूर्व अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिलें। यह दो कारणों के लिए ज़रूरी है। पहला कि आपको फोलिक एसिड दिया जाए जो कि एटलीस्ट 3 महीने तक आपको चले। अपने आप में यह बच्चे में विकृति के चांसेस कम करता है। दूसरा, आपको जो दवाइयाँ चल रही हैं एपिलेप्सी की वो ऐसे चेंज कर दी जाएँ कि अगर आपको प्रेगनेंसी होती है तो बच्चे पर उसका इफ़ेक्ट कम हो या ना के बराबर हो। इस पे बहुत ज़रूरी बात यह है कि एपिलेप्सी की बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हैं जिनका बच्चे पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है और ये अपने आप में विकृति कर सकती हैं। और बहुत सारी ड्रग्स ऐसी भी हैं जिनका ओवर द टाइम यह पाया गया है कि उनका बच्चों पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं है। तो आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले और उनको यह बताएं कि आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाह रहे हैं और अब हमें ऐसी दवाइयों पर शिफ्ट करें जो प्रेगनेंसी के दौरान सेफ हों। मन में कई बार ऐसे विचार आते हैं कि हम दवाइयां बंद कर देते हैं, हमें तो बहुत दिनों से मिर्गी के दौरे आए नहीं हैं तो अब हम दवाइयां क्यों लें अगर बच्चे पे इसका इफ़ेक्ट हो सकता है। तो इस पे बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान दौरा आया तो वो अपने आप में आपके लिए और बच्चे के लिए दोनों के लिए हानिकारक है, क्योंकि जब भी दौरा होता है तो ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी होती है जो बच्चे को भी पहुंचती है, ऑक्सीजन की कमी। तो दवाइयाँ डिसकंटिन्यू करना अपने आप में एक अच्छा डिसीज़न नहीं है। दूसरा, मन में सवाल ये आता है कि कई बार तो कुछ लोगों की दवाइयाँ बंद कर दी जाती हैं तो मेरी क्यों नहीं, मेरा तो सीज़र लास्ट जो है 2 साल पहले आया था। दवाइयाँ बंद आपको सीज़र फ्री तब माना जाता है जब आपको 10 साल से ऊपर हो गए हों लास्ट मिर्गी का दौरा पड़े हुए और उसमें भी 5 साल से ऊपर दवाइयां बंद किए हुए। तो अतः आपको 1, 2 या 3 साल पहले दौरा आया है तो आप बिल्कुल यह भूल ना करें कि आपको मिर्गी की बीमारी ख़त्म हो गई है। मिर्गी के दौरे अलग अलग टाइप के होते हैं, जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक, जुवेनाइल, मायोक्लोनिक, ये सब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप दवाइयां कंटिन्यू करें और जब भी दौरा आता है तो वो अपने आप में प्रेगनेंसी में रिस्क को बढ़ाता है। दूसरी चीज़ ये है कि प्रेगनेंसी में क्या एपिलेप्सी की वजह से कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होंगे, परेशानियां ज़्यादा होंगी? हाँ, एपिलेप्सी के पेशेंट्स में प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन नॉर्मल पॉपुलेशन के मुकाबले थोड़े ज़्यादा देखे गए हैं। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा है, यह मामूली अंतर थोड़ा ही ज़्यादा है कि समय से पहले डिलीवरी के चांसेस हों, बच्चे की ग्रोथ कम हो या फिर ब्लीडिंग की टेंडेंसी हो। लेकिन यह सारी चीज़ें आपको रेगुलर मॉनिटरिंग यानी कि हर 4 से 6 हफ्ते की सोनोग्राफी के माध्यम से पता चल सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ऑब्स्टेट्रिशियन के पास रेगुलर संपर्क में रहें और रेगुलर सोनोग्राफी कराते रहें, जो कि नॉर्मल प्रेगनेंसी के मुकाबले आपके केस में ज़्यादा होने वाली है। बात आती है कि अगर मेरे को एपिलेप्सी है तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है कि नहीं हो सकती। नॉर्मल डिलीवरी आपकी हो सकती है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना है। मिर्गी का दौरा यानी कि एपिलेप्सी, अगर आपको नींद बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं आई है, स्लीप डिप्राइवेशन यानी कि आप बहुत समय तक सोए नहीं हो, डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी और दर्द, इसकी वजह से एपिलेप्सी ड्यूरिंग लेबर यानी कि दर्द के दौरान आने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। और अगर डिलीवरी प्रोसेस के दौरान यानी कि दर्द के दौरान अगर आपको एपिलेप्सी का दौरा आता है तो अपने आप में बेबी के सर्कुलेशन पे भी वो इफ़ेक्ट करता है। तो जब भी हम नॉर्मल डिलीवरी का ट्राई कर रहे हैं तो हमें ऐसे सेटअप का चुनाव करना है जहाँ की पेन रिलीफ यानी कि डिलीवरी के दौरान दर्द के इंजेक्शन देने की सुविधा हो, बेबी का फीटल हार्ट मॉनिटरिंग की सुविधा हो और अगर कुछ इमरजेंसी होती है तो उसका वहाँ मैनेजमेंट हो। आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई बिल्कुल कर सकते हैं। आखिरी चीज़ आती है कि डिलीवरी के बाद
बच्चे पे क्या इफ़ेक्ट होगा। इफ़ेक्ट बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपको नंबर ऑफ़ ड्रग्स कितनी चल रही हैं, उनकी डोज कितनी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ड्रग, दो या तीन तरह की दवाइयाँ चल रही हैं और बहुत ज़्यादा डोज पे चल रही हैं, तो बेबी पे उसके विड्रॉल सिम्टम्स हो सकते हैं। ऐसे केस में ज़रूरी है कि बेबी को एक वेल वर्स्ड यानी कि अच्छा नॉलेज वाला पीडियाट्रिशियन ध्यान से देखें। पोस्टपार्टम यानी कि डिलीवरी के बाद थोड़े से ज़्यादा संभावना है कि आप डिप्रेशन में जाओ, और अगर स्लीप डिप्राइवेशन यानी कि आप सो नहीं पा रहे हो सही से, तो मिर्गी का दौरा आने की दोबारा संभावना होती है। इस दौरान इम्पॉर्टेंट बहुत चीज़ ये है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपकी दवाइयों की डोज बढ़ाई गई है, तो डिलीवरी के बाद वो डोज वापस से एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है। डिलीवरी के बाद कुछ नॉर्मल प्रिकॉशंस हैं जो सारे मिर्गी वाले पेशेंट्स को दिए जाते हैं, कि कभी भी बेबी को ऐसी पोजीशन पे ना पकड़ें कि अगर आपको दौरा आ जाए तो बेबी को हार्म करें। तो जब भी आप बेबी को गोद पे लें तो कोशिश करें बेड पे बैठे हों, कभी भी रूम पर या घर पर अकेले ना रहें अनअटेंडेड, कि अगर दौरा आए तो बेबी को कोई देखने वाला ना हो। आखिरी बात कंप्लीट करूंगी इस नोट के साथ कि हम गर्म निरोधक क्या इस्तेमाल कर सकते हैं डिलीवरी के बाद। जो एपिलेप्सी की ड्रग्स चल रही होती हैं, दवाइयां चल रही होती हैं, वो अपने आप में एंजाइम इंड्यूसर होती हैं, यानी कि कुछ दवाइयों के इफ़ेक्ट को कम करती हैं। तो अगर आप बर्थ स्पेसिंग यानी कि दो बच्चों में गैप रखना चाह रहे हैं, तो बेहतर है कि हम कॉपर टी की तरफ जाएं रादर देन कि हम गर्म निरोधक गोलियों का चुनाव करें। धन्यवाद। इससे संबंधित आपको कुछ भी पूछना हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स पर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।